शुक्रवार को ये तीन सब्जियां खाने वाली औरत करोड़ों में खेलती है, ये तय है, ये 100% ट्रूथ है। वीडियो पूरा देखेंगे तब जानेंगे कौन सी ऐसी सब्जी है जो कोई भी स्त्री खा लेगी तो वो करोड़पति बन जाएगी। आज का वीडियो का टॉपिक यही है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के क्षेत्र में हूँ। आप हमारे से परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। सभी सर्विसेज चार्जेबल होती है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। मैक्सिमम स्त्रियां शुक्रवार का व्रत करती हैं, जो शुक्रवार का नहीं करती हैं वो बृहस्पतिवार का करती हैं। बृहस्पतिवार या शुक्रवार का व्रत जो स्त्री करती है उसको ये लाभ मिलता है, लेकिन आज का टॉपिक शुक्रवार का ही है, इसी पर केंद्रित करेंगे। बृहस्पतिवार के बाद बाद में करेंगे। तो आपको शुक्रवार को खानी है ये सब्जियाँ जो कि कल है, और कल इसमें से कोई भी सब्जी खा लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। व्रत हो या नहीं हो तब भी आपको इसका सेवन शुक्रवार को अवश्य ही करना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी ऐसी सब्जी है जो आखिर आपको करोड़पति बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकती है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, तंत्र मंत्र, टोनर टोटकों में है या व्रत उपवास में आपकी रुचि है तो ये चैनल आपके बहुत काम आ सकता है। हम अक्सर इनसे संबंधित जानकारी आपको देते रहते हैं, डेली ऐसे वीडियो बनाते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाए। मित्रों, हर ग्रह की कोई सब्जी होती है, उसी में से शुक्र ग्रह की जो सब्जी है उसी के बारे में जानकारी देंगे। शुक्रवार को आप शुक्र ग्रह से संबंधित सब्जी का सेवन करते हैं तो आपको ज़बरदस्त धन का लाभ होता है। शुक्र की वैसे तो अनेक सब्जियां हैं, लेकिन हम तीन ही सब्जियों के बारे में आप बताएंगे जो आपको मालामाल करने में सक्षम है। शुक्र ग्रह धन वैभव का कारक है। साज संजा और श्रृंगार को इसे देखा जाता है। शुक्र को बलि करने के लिए स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग शुक्रवार को करना चाहिए। वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को विशेष श्रृंगार आपको करना चाहिए जिससे शुक्र बलि होता है। इसी प्रकार से कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, शुक्रवार को खट्टी सब्जियों का सेवन आपको नहीं करना है तो आपको इस दिन कड़ी नहीं बनानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। शुक्रवार को आपको दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को आपको कैरी की चटनी नहीं खानी चाहिए, अमचूर का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में, टमाटर का सेवन भी आपको नहीं करना है। अगर आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं तो आपको फिर भी खटाई नहीं खानी चाहिए। हालांकि वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में खटाई खाई जा सकती है, इसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन संतोषी माता का व्रत में खटाई का निषेध होता है, हम मानते हैं। लेकिन शुक्रवार को किसी भी चीज़ के संबंधित खटाई खाते हैं तो आपको नुकसान ही होता है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है, जब आप जान जाएंगे तो नहीं खाएंगे शुक्रवार को खटाई। शुक्रवार के दिन मीठे अंगूर की सब्जी आपको बनानी चाहिए मखाने के साथ में तो आपको फ़ायदा होता है और आपके जीवन में करोड़ों रुपए आने लगते हैं। अंगूर मीठे होने चाहिए तभी आपको फ़ायदा करेंगे। अंगूर मखाना की सब्जी आपको YouTube पर कुकिंग चैनल में आसानी से मिल जाएगी और उसको रेसिपी को देखकर आप बना सकते हैं। शुक्रवार के दिन गाजर की सब्जी खाना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके सेवन से शुक्र बलि होता है। उसमें थोड़ा सा जावित्री का चूरा डाल दीजिए, आपको फ़ायदा होगा। शुक्रवार के दिन पनीर की सब्जी भी बहुत फ़ायदा देती है। आप शुक्रवार के दिन पनीर की सब्जी बनाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। हमने तीन की बात की थी, लेकिन भिंडी की सब्जी आप शुक्रवार को बनाते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। शुक्रवार के दिन जमी कंद की सब्जी बनाना भी बहुत शुभ होता है। जो स्त्री इस सब्जी को बना के खाती है उसके जीवन में करोड़ों रुपए आने लगते हैं। टाइम लगता है लेकिन करोड़ों रुपए आने लगते हैं। हर शुक्रवार को ये सब्जी बनाइए जिनका जिक्र हमने इस वीडियो में किया है। उन सब्जियों को बनाने से आपका फ़ायदा होता है और आपके जीवन में खुशियों के साथ साथ पैसा आता है अपार मात्रा में। तो आई